नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एस्ट्रो कंसल्टेंट में। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत सारी खास बातें जो अपनी ज़िंदगी में आप अपनाएंगे तो आपको बहुत सारे लाभ मिलेंगे। तो आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सब बहुत ही अच्छे होंगे। कोरोना का समय चल रहा है, थोड़ा बचकर चलिए, थोड़ा संभल कर चलिए, मास्क का यूज़ करिए और 2 गज दूरी बनाए रखिए और बच्चों का विशेष कर ख्याल रखिए। आशा करती हूँ कि आगामी 2 महीनों में कोरोना का कहर थोड़ा कम हो जाएगा और हम सबको थोड़ी राहत मिलेगी। तो आज मैं बात करूंगी लौंग के बारे में। लौंग के कुछ ऐसे उपाय मैं आपको बताने जा रही हूं जिसे कर आप ज़िंदगी में कई सारे लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले बात करती हूं लौंग का ऐसा क्या करें कि जिससे आपको बुरे सपने ना आए, या जिन लोगों को बहुत थकावट होती है और नींद नहीं आती तो उनके लिए विशेष कर मैं ये बताना चाहूँगी कि लौंग को तकिए के नीचे रख कर सोने से बुरे सपने नहीं आते हैं। इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और नींद भी बहुत अच्छी आती है। लौंग को अगर किसी नींबू में, किसी येलो कलर का नींबू लेकर, अगर उसको 4 लौंग जिसमें फूल लगा हो वो अगर आप गाड़ देते हैं हनुमान जी को मंगलवार वाले दिन या शनिवार वाले दिन जाकर चढ़ाते हैं तो इससे शत्रुओं का नाश होता है। जिस शत्रु के बारे में आप सोचते हैं कि ये इससे मेरा बुरा, मतलब इसने मेरी बहुत सारी परेशानियां खड़ी कर दी हैं, बहुत सारी बाधाएं खड़ी कर दी हैं, तो ये सब आपका दूर हो जाएगा अगर आप ये अपनाते हैं। लौंग का 108 का माला अगर आप बनाते हैं, फूल हो जिसमें, ऐसे लौंग के अगर 108 माला बनाकर आप माँ भवानी को, शेरों वाली को अर्पित करते हैं या चढ़ाते हैं मौली सूता में उसको गूँथ कर, किसी भी अष्टमी वाले दिन, अगर आप किसी भी महीने की अष्टमी को अगर आप ये चढ़ाते हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। माता रानी आप पे कृपा बनाए रखेंगी और आपकी जो भी मनोकामनाएँ होंगी या जो भी इच्छा है वो पूर्ण हो जाएंगी। लौंग से अगर आप अपने सर से क्लॉकवाइज अगर 7 टाइम्स घुमाकर अगर रास्ते में फेंक देते हैं, या अपने बच्चों को जिसे बहुत ज़्यादा नज़र लग रहा है या बहुत जल्दी तबीयत ख़राब हो जा रहा है, अगर आपको ऐसा फील होता है कि मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जा रही है, मेरा खुद का बहुत तबीयत ख़राब हो रहा है, मेरा जो भी काम हो रहा है उसमें बहुत सारी परेशानी आ रही है, लौंग को 7 टाइम्स क्लॉकवाइज अगर आप सर के ऊपर से घुमाकर फेंक देते हैं तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगा और आप देखेंगे कि तबीयत बहुत जल्दी रिकवर हो पा रहे हैं और साथ में नज़र की भी समस्या ख़त्म हो जाएगी, नज़र नहीं लगेगा। अब चलिए बात करते हैं लौंग को चबाने से क्या होता है। लौंग को अगर आप अपने मुंह में रख के इसको चबाते हैं, आप जो भी बात लोगों के सामने कहेंगे, ये लौंग के साथ इलायची भी होती है साथ में, इलायची भी अगर आप एक साथ मुंह में रख के चबाते हैं और किसी मीटिंग में जा रहे हैं या किसी लोगों के पास जा रहे हैं जहाँ पर आपकी बातों का अहमियत रखना चाहिए या आपकी बातें से लोग कन्विंस हो जाएं, आप देखेंगे आपकी बातें से लोग फटाफट कन्विंस हो रहे हैं और आपको किसी भी तरह का समस्या का समाधान समस्या का कोई भी तरह का नहीं आएगा और उसका समाधान भी मिल जाएगा। तो आशा करती हूँ लौंग के ये कुछ उपायों को करने से आप अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव देख पाएंगे। तो दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगी, लौंग की बहुत सारी खासियत है, उनमें इतना सारा गुण है। अभी कोरोना के समय में अगर आप लौंग, दालचीनी, अदरक, जवाइन ये सब डालकर अगर बॉईल करके अगर आप पीते हैं काढ़ा बनाकर, उसमें तुलसी पत्ता डाल देते हैं तो इससे आपको कोरोना से भी राहत मिल जाएगी और सर्दी भी अगर किसी तरह का अगर हो रहा है, किसी भी तरह का लंग्स इन्फेक्शन है तो वो भी ठीक होने लगेगा, रिकवर हो पाएंगे। तो लौंग की बहुत सारी खासियत होती है। एक छोटा सा लौंग तो इतना तो आप खर्च कर ही सकते हैं, ये हमारे किचन में नॉर्मली आमतौर पर मिल ही जाता है। तो लौंग का उपयोग करके अपनी ज़िंदगी को बदलिए और बहुत सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में आए, मैं ऐसा मनोकामना करती हूँ। और मैं चाहूँगी कि आप सभी मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। आप किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं इसके बारे में मुझे बताएं तो मैं ज़रूर से ज़रूर कोशिश करूँगी कि उस विषय पर वीडियो बनाऊं। और आशा करती हूँ आप मेरे इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को ताकि इसी तरह मैं वीडियो बनाकर आप सभी का भला कर सकूँ। धन्यवाद, थैंक यू।